वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के अंदर आप लोगों ने, या 1 के अंदर इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी देखी होगी, और रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से इसकी क्या ममासलत पाई जाती है, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से हम कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। आज हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म और इसके थ्रू हमारे पास यूलर्स इक्वेशन और किस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को के जरिए की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो बर्नौली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ, कुछ रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या चीज़ है, या मैं आपके सामने एक इक्वेशन खोल के बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? सही, ये जो सामने इक्वेशन खुल के आई हुई है इसका क्या मतलब है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के अंदर? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नहीं अब हो रही है? ये सामने जो इक्वेशन आई हुई है इसका क्या क्या मतलब, क्या है सिंपल, क्या है? सर, इसका ये मतलब है कि टोटल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास एनर्जी या मास जो भी है वो इक्वल है सर्टेन कंट्रोल वॉल्यूम को जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव, और जितना इन हो रहा है और जितना आउट हो रहा है। सही है, बिल्कुल। तो यानी कि आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर कोई चेंज आ रही है, ठीक है, मास के अंदर टोटल चेंज जो है वो कितना आपके पास मास एक्युमुलेट कर रहा है, या मास जो है उसके अंदर डिक्रीज हो रही है, उसका रेट ऑफ चेंज प्लस आपका आउटफ्लक्स और इनफ्लक्स, रेट ऑफ आउटफ्लक्स और इनफ्लक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से जब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, ये वाली क्वांटिटी आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर्म में आती है, क्योंकि आपने पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या वेरिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो ये आपके पास क्वांटिटी आती है ये कंट्रोल सरफेस या सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में आती है, कि आपके पास सरफेसेस के अंदर कितने भी है। मेरे पास लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि कोई एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अब 6 कंट्रोल सरफेसेस हैं, अगर एक क्यूब है 6 कंट्रोल सरफेसेस हैं, उसमें से हर कंट्रोल सरफेस में से या तो कोई इनफ्लक्स हो सकता है या आउटफ्लक्स हो सकता है, या कोई कंट्रोल सरफेस आपके पास स्पेयर भी होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक कंट्रोल सरफेस से इनफ्लक्स भी हो रहा है आउटफ्लक्स भी हो रहा है। तो ये उस चीज़ के बैलेंस को शो कर रहा होता है। और जो बी आपके पास क्वांटिटी है मास कंजर्वेशन में, आपके पास ये मास से रिप्लेस हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, मोमेंटम बेसिकली आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आपके पास पाया जाता है, तो ये mv से रिप्लेस हो जाती है। तो आपके पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है। किस तरीके से हो सकती है, हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं कहूं कि जी आपके पास जो फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो आ रही है, जो चेंज ऑफ फोर्स है वो बेसिकली आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है, तो मैं इससे कैसे डिराइव कर सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम एस। तो एक्सेलरेशन की जगह वी ओवर टी पुट करते हैं। बिल्कुल, एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास क्या है, वी डॉट के बराबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी के ऊपर, या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर पाई जाने वाली फोर्सेस के सम के बराबर है। अब अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में जनरलाइज बात करूं और अपने रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को ही एक्सपेंड करूं, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये हमारे पास होगा इक्वल टू जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन थी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, उसको अगर हम सामने रखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो जो कंटेंट चेंज आ रही है, और नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्रू अ कंट्रोल सरफेस, या हमारे पास इस तरीके से फॉर्म आ जाती है।
आप सिंपल देखें, हमारे पास हमने अब यहाँ पे आपका डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मास को, मास एम डॉट वी आ रहा है और उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। प्लस आपके पास लीनियर मोमेंटम थ्रू कंट्रोल सर्फेसिस रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट ले लूँ इन दोनों चीज़ों का, तो इस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वी इंटू ए आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड है, डेंसिटी आपके पास के जी पर मीटर क्यूब है, तो एक के जी पर सेकंड, ये हमारे पास सरफेस में से कितना फ्लक्स, मास का कितना फ्लक्स इन आउट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि ये सर्फेसिस की बात हो रही है, हम अपने कंट्रोल सर्फेसिस को सी से डिनोट कर रहे हैं। और चूंकि अगर हम इंटीग्रल फॉर्म के अंदर चले जाएँ तो सॉरी समीशन की तरफ चले जाएँ कि हमारे पास कंट्रोल सर्फेसिस के ऊपर से कितनी इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हो रही है, तो हमारे पास वो इंटीग्रल फॉर्म आ जाती है। यहाँ इसको अगर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना शुरू करें, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है मास आउट, मास फ्लक्स आउट और मास फ्लक्स इन के बैलेंस को, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, नेट ऑफ नेट फोर्स सम ऑफ समीशन ऑफ फोर्सेस, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आप लोगों ने देखा होगा, इसे सुना होगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास बॉडी फोर्सेस हैं और दूसरी आपके पास सरफेस फोर्सेस हैं। अब बॉडी फोर्स कौन सी होती है? हमारे पास वो वाली फोर्स जो किसी बॉडी पे एक डिस्टेंस से एक्ट कर रही हो, ठीक है, पूरे कंट्रोल बॉडी वॉल्यूम के ऊपर। से मेरे पास वेट है, वेट अब क्या है, वेट बुनियादी तौर पे ग्रेविटेशनल पुल है ज़मीन की, वो पूरे मेरे बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी। इसी तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई या रिपल्शन होगी, दो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और वो पूरी की पूरी फोर्स पुल फुल बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो ये आपके पास बॉडी फोर्स है। दूसरी आपके पास आ जाती हैं सरफेस फोर्सेस, वो वाली फोर्सेस जो ऑन बॉडी सरफेस पर एक्ट कर रही हैं। अब जो सरफेस फोर्सेज हैं, अगर मैं उनको डिवाइड करना चाहूँ तो बुनियादी तौर पर वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक आपके पास प्रेशर फोर्सेज हैं जो एज अ प्रेशर एज अ नॉर्मल फोर्स आपके पास एक्ट कर रही होती हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी के कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी आपके पास आ जाती हैं विस्कस फोर्सेज। विस्कस फोर्सेज में हम पढ़ते आए हैं खास आप कि आपके पास दो टाइप्स की फोर्सेज एक्ट कर सकती हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी होती है? जो आपके पास बॉडी पे से मेरे पास टॉ एक्स एक्स है, टॉ वाई वाई है, टॉ जेड जेड है, कि जिस सरफेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है उसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन है और जो फोर्स की एक्टिंग की डायरेक्शन है वो आपस में अलाइन हो, पैरेलल हो। और शेयर आपके पास कौन सी है? जिसमें हमारे पास एट एन एंगल फोर्स एक्ट कर रही है नॉर्मली, नॉर्मल के तौर पे से टॉ एक्स वाई है। अब मैं यहाँ पे अगर अपनी ले लेता हूँ नोटेशन लेता हूँ टॉ आई जे के लिहाज से, बेसिकली जो एंडरसन की बुक में इसने नोटेशन इस्तेमाल की है टॉ आई जे, आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस विच इज नॉर्मल टू द सरफेस जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और जे जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। से टॉ एक्स वाई है, टॉ एक्स वाई से मुराद कौन सी है? इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन के अंदर है और जो नॉर्मल आपके पास वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है। आपके पास जब भी कोई सरफेस होती है उसका एक नॉर्मल हम कहते हैं, और वो आपके पास जैसे आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्मल टू द सरफेस को रिप्रेजेंटेशन आती है। तो आपके पास एंगल पे है नॉर्मल पे पाई जाती है तो वो शेयरिंग फोर्स है, और अगर आपके पास पैरेलल है तो आपके पास वो नॉर्मल फोर्सेस है। तो हमारे पास सरफेस फोर्सेस बुनियादी तौर पर हम दो टाइप्स को रिप्रेजेंट डिवाइड कर देते हैं, प्रेशर और विस्कस फोर्सेस। और इसको आगे चल के हम देखेंगे कि जब हमारे पास विस्कस फोर्सेस का इफेक्ट निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं जिसमें आपके पास विस्कस फ्लो निगलेक्ट होता है? ऐसे फ्लो को हम कहते हैं इनविसिड फ्लो। और इनविसिड फ्लो जब हम मोमेंटम इक्वेशन के ऊपर लाते हैं
तो हमारी जो मॉडिफाइड फॉर्म बनती है उसको हम यूलर इक्वेशन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास यूलर इक्वेशन के अंदर, यूलर इक्वेशन क्या है, बेसिकली इनविसिड फ्लो है, इसमें हम स्टेडी स्टेट फ्लो ले आए, हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो और फ्लो अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन होगा, तो ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास अब एक इन्फिनिटिसमल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इन्फिनिटिसमल वॉल्यूम के ऊपर हम देखते हैं कि कौन कौन सी सरफेस फोर्सेस लगी हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि जी फोर्सेस जो एक्ट करती हैं किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर या किसी भी फ्लूइड बॉडी के ऊपर, वो दो टाइप की हैं। एक कौन सी होगी, एक बॉडी फोर्स है और एक आपके पास सरफेस फोर्सेज होगी। अब सरफेस फोर्सेस आपके पास फर्दर हमने दो टाइप में डिवाइड कर दी, प्रेशर और विस्कस फोर्सेस। अब हम इनको एक एक डाइसेक्ट करके एक एक फोर्स को एनालाइज करते हैं और फिर इनकी हम समीशन की तरफ जाएंगे। तो अभी हम इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम ले लेते हैं जिसके आठ एजेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप देख सकते हैं। और ये एक हमारे पास क्यूब की फॉर्म में है। इसके ऊपर लगने वाली तमाम सरफेस फोर्सेस को देखते हैं कि आपके पास, अब ये वाला जो मेरे पास है, मैं आपसे पूछूं, ये जो प्लेन इधर बना हुआ है ए डी एच ई, ठीक है, इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन वो टॉ एक्स एक्स से क्यों रिप्रेजेंट हो रही है? एनीवन? फैजान, फैजान है? रेक्स एक्सिस के पैरेलल। बिल्कुल। आपकी आपकी फोर्स किस प्लेन के ऊपर लग रही है? वाई। जी फैजान। तो एक्स एक्सिस क्यों है ये? सर वो मेरे कॉल आ रही थी, मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ ना, तो वो डिसकनेक्ट हो गया। चलो फिर भी म्यूट कर दें फिलहाल। एनीवन एल्स? काशान सर, नॉर्मल फेस भी जो है वो एक्स के ऊपर लग रहा है, डायरेक्शन भी एक्स ही है। बिल्कुल। आपके पास ये किस प्लेन के ऊपर लग रही है? वाई जेड प्लेन। जी मेरे ख्याल में यहाँ पर नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं दोबारा। चले, अब हमारे पास जो प्लेन था वो कौन सा था? वाई जेड प्लेन था। उसके नॉर्मल आपके पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में कर रही है, तो ये आपके पास नॉर्मल फोर्स टॉ एक्स एक्स है। और चूंकि ये सरफेस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो इस प्लेन का एरिया है, अगर हम इसके ऊपर एक्ट करने वाले स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दें सरफेस एरिया से, तो आपके पास क्या बन जाएगी? आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमने कहा था दो फोर्सेस होती हैं, एक विस्कस फोर्स जो आपके पास टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब ये नॉर्मल है टॉ एक्स एक्स, और यहाँ पे जो राइट साइड आपके पास फेस है एफ जी बी सी एफ जी वाला, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंशियल है टॉ एक्स एक्स प्लस
पार्शियल टॉ एक्स एक्स बाय पार्शियल एक्स डी एक्स, कि आपके पास कितना डिफरेंशियल चेंज इन नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, और सिंपली आपने उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास जो प्रेशर फोर्स लग रही है वो भी पी और डिफरेंशियल प्रेशर फोर्स पार्शियल पी लग रही है, उनका एक आपके पास आ गया। लेकिन जो हमारे पास टॉप बॉटम और फ्रंट और बैक की जो सर्फेसिस आ रही हैं उसमें हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही होगी, शेयरिंग फोर्स लग रही होगी। शेयरिंग फोर्स अब हमारे पास से ये टॉप सरफेस है ई एफ जी एच वाली, इसमें ये सरफेस किस प्लेन के पैरेलल पाई जाती है, हमारे पास जेड एक्स प्लेन के पैरेलल पाई जाती है। तो नॉर्मल टू द प्लेन आपके पास वाई है और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन है। अभी हम जितनी एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं सिर्फ उनका बैलेंस देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, y और z के अंदर जब जाएंगे तो हमारे पास y के अंदर ये वाली फोर्स जो y डायरेक्शन में लग रही होगी वो नॉर्मल होगी, इसी तरीके y डायरेक्शन से प्रेशर फोर्स भी लग रही होगी, हम उसका बैलेंस वहाँ से देंगे। तो हमारे पास बेसिकली इसीलिए आपसे कहते हैं कि आपके पास तीन मोमेंटम इक्वेशन तीन होती हैं, x, y और z डायरेक्शन में। अभी हम सिर्फ x डायरेक्शन मोमेंटम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, बाकी y और z की सेम डेरिवेशन है, सिंपल आपने प्रेशर का बैलेंस निकालना है। चूंकि ये टॉप सरफेस है तो यहाँ पे वाई जेड जो शेयरिंग शेयरिंग फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। बेस पे आपके पास डिफरेंशियल नहीं, नॉर्मल आपके पास सिंपल टॉ वाई जेड पाई जाती है। इसी तरीके से जो बैक सरफेस है उसके ऊपर टॉ जेड एक्स शेयरिंग फोर्स लग रही होगी और उसके फ्रंट पे टॉ जेड एक्स प्लस डेल्टा टॉ जेड एक्स आपके पास फोर्स एक्ट लग रही होगी, और आप इनके तमाम नॉर्मल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास टोटल फोर्स लग जाएगी। अब अगर मैं इस फोर्स का बैलेंस लूं तो नेट सरफेस फोर्स आपके पास जो लग रही होगी वो चेंज इन प्रेशर फोर्स डेल्टा पी, आपके पास चेंज इन नॉर्मल फोर्स डेल्टा टॉ एक्स और चेंज इन शेयरिंग फोर्स इन बोथ वाई एंड जेड नॉर्मल प्लेन। ठीक है, इसका हम बैलेंस लेंगे तो आपके पास जो नेट सरफेस फोर्स निकल के आ रही होगी वो माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टॉ एक्स एक्स बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टॉ वाई एक्स बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल टॉ जेड एक्स बाय पार्शियल जेड मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम जिसको हम डी वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया। और इसी तरीके से आपके पास सॉरी सर ये जो बैलेंस है ऊपर वाला स्टेप ये दोबारा बता दें एक दफा, मैं आपको बता दूं। हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो फोर्सेस हैं, हमने शुरू में कहा कि फोर्सेस आपके पास दो हैं, एक आपके पास सरफेस फोर्सेस हैं, एक बॉडी फोर्सेस हैं। अब बैक स्लाइड के अंदर पिछली स्लाइड में जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल वॉल्यूम सिर्फ हमने बताया हुआ था उसमें हमने सिर्फ सरफेस फोर्सेस की बात की। अब सरफेस फोर्सेस में हमारे पास कौन सी फोर्स थी, प्रेशर फोर्स जो कि वाई जेड प्लेन के ऊपर लग रही है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, इस डिफरेंशियल प्रेशर फोर्स नॉर्मल फोर्स टॉ एक्स एक्स और डिफरेंशियल नॉर्मल फोर्स टॉ एक्स एक्स प्लस डेल्टा टी, इसी तरीके से शेयरिंग फोर्सेस टॉ वाई एक्स और टॉ जेड एक्स और उनके डिफरेंशियल डेल्टा जेड एक्स डेल्टा आपके पास वाई एक्स। अगर मैं इस फोर्स का नेट फोर्स सरफेस फोर्स एक्स एक्टिंग ऑन एक्स डायरेक्शन लूँ तो मैं क्या होगा, प्रेशर फोर्स मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में एक्ट करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट करिए पॉजिटिव एक्स के अंदर, तो पी इंटू डी वाई बाय डी वाई इंटू डी जेड ये आपके पास है माइनस। अब दूसरी प्रेशर फोर्स आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एक्ट करिए तो ये आपके पास नेगेटिव के तौर पर आ जाएगी। इसी तरीके से नॉर्मल जो मेरे पास फोर्स एक्ट कर रही है टॉ एक्स एक्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन नॉर्मल फोर्स डिफरेंशियल फोर्स टॉ एक्स एक्स प्लस डेल्टा टॉ एक्स एक्स ये आपके पास पॉजिटिव में एक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं बैलेंस लूँ टॉ वाई एक्स मेरे पास पॉजिटिव में एक्ट कर रहे हैं और टॉ वाई एक्स मेरे पास नेगेटिव में कर रहा है और टॉ वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में करा, तो ये सिंपल आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि
कि एक्स डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन मैं इसको पॉजिटिव मेंशन कर देता हूँ। जोन सी फोर्स मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसको पॉजिटिव लेंगे। जोन सी फोर्स मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसको नेगेटिव लेंगे। इनका बैलेंस लेंगे तो हमारे पास जो टोटल फोर्स निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है, तो माइनस डेल पी बाय डेल एक्स। प्रेशर ग्रेडियंट आपके पास क्या है और आपके पास शेयर फोर्स के ग्रेडियंट्स डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। प्लस ये चीज़ जो आपके पास आ रही है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है बॉडी, किसी भी किस्म की बॉडी फोर्स। अब आमतौर पर अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह देते हैं कि जी ये बॉडी फोर्स है, बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बॉडी फोर्स इन वाई डायरेक्शन, बॉडी फोर्स इन जेड डायरेक्शन। अब ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन तो आ गई, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन आपके पास है बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके बराबर होगा? एम इंटू ए एक्स के बराबर होगा। मास ऑफ द सिस्टम आपके पास क्या है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, ये हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन की आपने अगर जाए डिटेल के अंदर हम जाएं तो बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन जो है ये सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के फॉर्म में निकल के आता है। तो हमें एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी प्लस यू इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वी इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल जेड। इसकी थोड़ी सी आपने अगर डिटेल देखनी है या आपने FM2 के अंदर देखा होगा मनसन की बुक में चैप्टर 6 के अंदर जाके, चैप्टर 5 या चैप्टर 6 के अंदर आप जाके देखिए कि हम एक्सेलरेशन फील्ड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके पास x, y और z डायरेक्शन के अंदर ही एक्सेलरेशन फील्ड आ जाएगी। अगर हम इन चीज़ों को प्लग इन करें अपनी अबव इक्वेशन में जिसमें था सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू, हमारे पास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन आ रही थी, तो ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन बन के सामने आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन आती है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आए और लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को भी हम एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो हम आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन जो है ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहलाते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आप लोगों ने जमा करानी है कल तक मुझे, कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल फॉर्म आई है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के अंदर यानी कि लेफ्ट साइड में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इस चीज़ को आपने प्रूव करके मुझे देना और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आपसे। एंडरसन के अंदर इसका जवाब लिखा होगा लेकिन थोड़ा सा आपने डिटेल में पढ़ना होगा। ये जो आपके पास डेल डॉट रो यू वी जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल रो यू ये बेसिकली किस चीज़ को, रो यू आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी, क्या होती है आपके पास केजी पर मीटर क्यूब होती है। यू आपके पास क्या है? मीटर्स पर सेकंड होता है। आपके पास क्या बन के आता है? केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये किस चीज के यूनिट है? एनीवन? चलिए ये चीज़ आपने मुझे डिफाइन करनी है। नेक्स्ट वीक से आप लोगों की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा इंटरेक्शन के साथ आपसे बात करेंगे। इसी चीज़ में हमारे पास जो आ रही है राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो आ रही है ये प्रेशर और आपके पास शेयर फोर्सेस और नॉर्मल फोर्सेस, इसमें मैं अगर कह दूँ कि मेरे पास नॉर्मल शेयरिंग फोर्स कोई नहीं पाई जाती तो ये इक्वेशन आपके पास जो है मॉडिफाई होके इस फॉर्म के अंदर आ जाती है, जिसका मतलब है ये आपके पास यूलर्स इक्वेशन कहलाती है। यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन आप लोगों ने देखी है, पढ़ी है अभी तक टर्बाइन के अंदर? यस सर पढ़ ली। यस सर पढ़ी है। से कोई रिलेशन निकलेगा? यस सर क्या कह रहे हैं? ये जो आपके पास इनविसिड फ्लो की इक्वेशन है और यूलर टर्बाइन इक्वेशन, इनका कोई आपस में रिलेशन है? यूलर टर्बाइन इक्वेशन किस चीज को, किस चीज की कैलकुलेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है?
सर उसमें तो एंथैल्पी इन्वॉल्व थी सर, यूलर एंथैल्पी और वो फ्लो वेलोसिटी वगैरह। बिल्कुल। और एंथैल्पी वगैरह जो है आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? टर्बाइन इक्वेशन क्यों है कहते हैं हम इसको, जब लीनियरली सर कोई वो वॉल्यूम। एनर्जी इंडिकेशन शो कर, सर वो एनर्जी इंडिकेशन थी कि एट द स्टार्ट ऑफ द डिवाइस एट द एंड ऑफ डिवाइस आपकी एनर्जी कितनी है, तो अक्सर वो अगर H1 ग्रेटर देन H2 होगा तो मतलब वो टरबाइन वर्क है, और अगर H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा तो फिर वो कंप्रेसर वर्क। सर वो उसमें सर हमने बेसिकली एनर्जी कंटेंट को देख के बताया था कि कौन सी डिवाइस लगी हुई है टरबाइन इक्वेशन में। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसका बेसिकली आपके पास टर्बो मशीनरी की इक्वेशन पाई जाती है, यूलर टर्बाइन इक्वेशन। तो आपको वो एनर्जी का, हमारे पास अब एनर्जी इक्वेशन ले आ, मोमेंटम इक्वेशन ले, इसके बैलेंस करके आपके पास निकल के सामने आ गई होती है। अब एच जो है एंथैल्पी, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास टर्बो मशीनरी किस किस्म की पाई जाती है। ठीक है, सेम चीज़ आपके पास एंथैल्पीज के तौर पर आप मैयर नहीं करेंगे जब आप हाइड्रोलिक मशीनरी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप गैस या स्टीम मशीनरी के ऊपर बात करेंगे तो आपके पास एंथैल्पीज के अंदर रिलेशन आना चाहिए। तो जब हम आपके पास यूलर इक्वेशन की बात आए जनरल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो यूलर इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए, मेरे पास फ्लो है इनविसिड। इनविसिड फ्लो से मुराद क्या है? इनविसिड फ्लो से मुराद यह है कि मैं विस्कस इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहा हूँ, कि मेरे पास लेयर टू लेयर जो शेयरिंग आ रही है मैं उसके इफेक्ट को निगलेक्ट करता जा रहा हूँ। और जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपके पास जो सरफेस के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं उनमें से शेयरिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्सेस आपके पास ख़त्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बॉडी के ऊपर सरफेस पे प्रेशर फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों की फ्लूइड मैकेनिक्स टू की जनरलाइज रिवाइज करना चाहूँगा कि हमने एक दफ़ा बात की थी कि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है डेल क्रॉस वी, ये वर्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास डेल क्रॉस वी इज इक्वल हो तो ये आपके पास फ्लो जो है इररोटेशनल होगा। इसी तरीके से आप में से अगर मैं पूछूं लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर को बताएगा क्या चीज़ होती है? डेल स्क्वायर, ये चीजें यार हमने देखी होती हैं, जहन से ना निकल जाती हैं, इसको थोड़ा सा डेल डॉट डेल, इसको डेल स्क्वायर आपके पास कहते हैं। अगर मैं लैप्लासियन ऑपरेटर कर रहा हूँ, लैप्लासियन इक्वेशन है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास आता है किसी भी वेलोसिटी फील्ड के अंदर, पास फ्लो जो है वो इनविसिड है, इनकम्प्रेसिबल है और इरोटेशनल है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आप लोगों को कोई वेलोसिटी फील्ड देता हूँ और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि इधर फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, तो सिंपल आप क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल, तो आपका उसको डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और अगर मैं आपसे तीसरी चीज़ भी पूछूँ कि इधर फ्लो इज इनविसिड और आपके पास विस्कस फ्लो, तो क्या होगा कि आप लैप्लासियन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम कल से प्रॉब्लम देखेंगे, और आप लोगों ने का जो काम है कि हमारे पास नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या है, ये वाली फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब हासिल होती है, लेफ्ट साइड, ये एंडरसन से आपने देख के आनी। ठीक है, और कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीक आप लोगों को बताया लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, ठीक हो, लैप्लासियन इक्वेशन जाके पढ़िएगा, कैलकुलस की बुक उठा के देखिएगा कि लैप्लासियन इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास। ये कुछ सर, ये जो सिंगल सिंगल की जो ये डेल ऑपरेटर है ना सर, ये तो जी बिल्कुल डेल ऑपरेटर आपके पास सिंपल, अगर आपके पास डेल ऑपरेटर है, डेल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई
जे पार्शियल बाय पार्शियल जेड के को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो डेल का आपके आपस में डॉट प्रोडक्ट आ रही है तो आपके पास पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जेड स्क्वायर। ये अगर मैं वेलोसिटी फील्ड के ऊपर लगा रहा हूँ लैप्लासियन इक्वेशन को और इक्वल टू जीरो आ रही है आपके पास, तो मेरे पास फ्लो इम्प्लिसिट भी आ रहा है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे टूल्स हैं किसी चीज़ को देखने के लिए ना, कि हम किसी फ्लो फील्ड को एनालाइज करना चाहें और उसके बारे में कुछ। फिर अब क्या होगा, मुझे अगर फ्लो फील्ड का थोड़ा सा अंदाज़ा है, मैं कह देता हूँ मेरे पास जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, जो बाउंड्री कंडीशन है जिसके अंदर जिसके थ्रू मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सिंप्लीफाई होती जाएंगी या फिर वो सिंप्लीफाई नहीं भी होंगी, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा अपने फ्लो फील्ड का किस तरीके का होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनसे आपको ना एक ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट मिल जाता है चीज़ का। तो फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों ने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन देख के आनी है, लाजमी देख के आनी है 11:30। बल्कि एक और मसला हो गया, कल आपका सारा दिन फारिग होता है? सर कुछ लड़के यूनिवर्सिटी जाएंगे, बाकी वैसे फ्री ही होता सर। कल यार एक 11:30 मीटिंग आ गई है और उसका आज कल ही पता चलना मुझे। तो फिर लाइव सेशन जब स्टार्ट होता है ना नेक्स्ट वीक से, तो हमारी जो एक क्लास कल की अनिवर्सरी है ना, उसको हम किसी दिन नेक्स्ट वीक में ना प्लीज कैचअप कर लेंगे, बेहतर ही हम लाइव सेशन में किसी दिन में बात करें। तो कल कर नहीं रखते इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक जो है ना हम 3 क्लासेस कर लेंगे। बाकी आप लोगों से यही है कि जब आना स्टार्ट हो, पहले तो पहले ये था कि आप लोगों के घरों से हुए तो वहीं पे करवा दिया जाएगा। तो लैपटॉप साइजेस आप सारों के पास ही होंगे, ठीक है, उसके अंदर फ्लुएंट और मैटलैब डाल के ले आइएगा। हम नेक्स्ट वीक फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मुलेशन देखेंगे और उसकी थोड़ी सी कोडिंग जो है ना मैटलैब के ऊपर वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीकेंड में या समथिंग, ठीक है? ठीक है सर। यार थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।